चली। नथुराम गुरु का दास वो कर रहा ज्ञान लेने की आस, वो कर रहा ज्ञान लेने की आस। गुरु मंगल चंद के पास ज्ञान की, मंगल चंद के पास ज्ञान की। परी बुखारी देख ली गाया का अंश, लकड़ के सब घंटा कटारी देख ली। बादशाह सलामत सच्चा है ये शेर खान, ये गया था बूंदीगढ़ और मिला था उस अत्यारी से। बादशाह सलामत, इस दरबार के सामने मैं खुद ऐलान करता हूं कि जिस औरत को मैं पतिव्रता बता रहा था वो पतिव्रता नहीं है, कुल को दाग लगाने वाली है, सात पीढ़ी को कलंकित करने वाली है। बादशाह सलामत, बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस शेर खान की जीत है और मेरी हार है। सलामत फांसी दे। देखिए पृथ्वी सिंह जी, फेंटा और कटार को हमने सबूत नहीं माना। फेंटा और कटार के आधार पे तो मैं भी नहीं मान सकता कि मेरी रानी गलत है, लेकिन बादशाह सलामत, इस शेर खान ने तो वो राज पास कर दिया जो राज सिर्फ पति पत्नी के बीच में होता है, तीसरे को मालूम नहीं होता। इसलिए इस मुकदमे में तुम्हारी हार है। तो बादशाह सलामत, पृथ्वी सिंह भी फांसी के लिए तैयार है। बिल्कुल शर्त के मुताबिक आपको फांसी होगी। लगाइए फंदा। फांसी टूटने वाले मुलजिम के लिए हम आखिरी दाई देते हैं, उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। बस सलामत, इसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हो तो इसकी दूसरी शादी कर दे। क्या बात करता शेर खान। और क्या पृथ्वी सिंह, आपको किसी से मिलने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप बता सकते हैं, हमारी पूरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। देखिए बादशाह सलामत, हम हिंदू, हम छत्री, हम राजपूत अपनी जन्म देने वाली माँ को और अपनी जन्म भूमि को बराबर का दर्जा देते थी। और मैं फांसी से पहले सिर्फ एक बार मेरी मातृभूमि, मेरी जन्म भूमि, उस बूंदीगढ़ के दर्शन करना चाहता हूँ। वह नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बादशाह सलामत बोलिए, फांसी टूटने वाले मुलजिम के लिए जब हिदायत दी जाती है, जो कोई उसका गारंटर हो, जो कोई उसका जमानती हो, तो फांसी टूटने के लिए कौन आएगा? ठीक है, देखिए पृथ्वी सिंह जी, हम आपको बूंदीगढ़ जाने के लिए छोड़ सकते हैं जी, लेकिन इस दरबार में, इस सभा में आपका कोई जमानती, कोई गारंटर होना चाहिए। ये सही है, ये नियम है। भाई शेर खान, छत्री का बेटा हूं, अपने मुख से जबान देता हूं कि मैं आऊंगा। और वो कहते हैं कि वो खानदान का बीज नहीं, वो खानदान का बीज नहीं जो करके कोल पलट जैसे, सात कुड़ी जा नरक बीच में कला वंश की घट जैसे। अरे उस छतरी से तो भला हिंजड़ा जो रण से वापिस हट जैसे, असल कमसल ने तो माँ जाने पर बात से बेरा पट जैसे। आऊंगा मैं, बिगैर गारंटर मैं नहीं छोड़ सकता। कोई गारंटर ले लेगा तो? बादशाह सलामत, ये फांसी का मामला है, मौत का मामला है। मैं मेरे किस चाचा ताऊ भाई से कह दूं कि आप मेरी जगह इस फांसी के फंदे में आ जाओ, मैं नहीं कह सकता किसी से। अल्लाह की कसम, किसी को ऊपर को हाथ कर दियो तो मैं बहुत बुरा नतीजा कर दूंगा इस टाइम पे। मैं बहुत गर्म आदमी हूं। देखिए पृथ्वी सिंह को बूंदीगढ़ जाने के लिए मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अगर आप में से इसकी कोई गारंटी लेता हो, कोई जमानत लेता हो तो ऊपर हाथ उठा के बताओ, कोई गारंटी ले रहा है क्या इसकी? वाह 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 वाह। सलामत, अब मेरा सीना गदगद हो गया है, अब मुझे मरने का एक रति भी गम नहीं है। क्यों? कि आपने मेरे लिए एक आदमी की जमानत मांगी थी ना, लेकिन आप के सामने कितने हाथ खड़े हुए हैं, ये सब मेरे साथ हैं और आप चाहे जिसकी जमानत मंजूर कर सकते हैं। इनके जमानत में सबकी खर्च करता हूं। क्यों, क्या बात है? अरे बीपीएल के आदमी है, 2 रुपए किलो के गेहूं खा रहे हैं। अच्छा। ये चयनित के आदमी है। अच्छा। ठीक है। सलाम, आदर। बोलिए क्या बात है? मैं पृथ्वी सिंह की जमानत मैं लेता हूँ। अच्छा? कौन बोल रहा है? मैं नंबरदार। कहाँ का नंबरदार? अरे है क्या? अरे भाई मैं तेरी जमानत तो कभी भी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेगा? अरे तू 6 महीने का गेल उड़ाया था भाई गेल। अरे बकवास बंद कर, फालतू मत बोल। और क्या? ठीक है पृथ्वी सिंह, क्या है कहते हम आपकी जमानत मंजूर करते हैं, क्योंकि बीकानेर के महाराज गजे सिंह ये आपकी जमानत लेते हैं। सजनो उसी दरबार के अंदर बीकानेर का राजा गजे सिंह बैठा था, उठ करके आता और कहने लगा बादशाह सलामत छोड़ दे इस बच्चे को, जाने दे, और वापस नहीं आएगा तो इसकी जगह फांसी गजे सिंह खाएगा।
शेर खान का तो कोई न कोई रोड़ा अटक ही जाता है। गजे सिंह को अरेस्ट कर लिया, पृथ्वी सिंह को आजाद कर दिया। सजनों, पृथ्वी सिंह अपने घोड़े पर सवार होता है, टूटे हुए दिल से बूंदीगढ़ आता है, आकर के अपने महल का दरवाजा खटखटाता है। रानी किरणमयी जब दरवाजे की आवाज सुनती है, ऊपर से अटारी खोल करके नीचे देखती है, पृथ्वी सिंह खड़ा था। हेलो। रानी ने अपने पति के दर्शन किए, इतनी खुश हो गई जैसे सुबह सुबह सूरजमुखी खिल जाता है। रानी दौड़ करके झटपट अपने कमरे में जाती है, हार श्रृंगार बनाती है, दुल्हन के जैसा भेष बना करके और फूल झड़ी सी खिलती हुई, हाथ में थाल थाल में दीपक जला करके और अपने पति का आरती करने के लिए दरवाजे पर आती है। आज सजनों, उस पापी शेर खान ने पति पत्नी के बीच में जहर घोल दिया था, दोनों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। होना कुछ और था, हो कुछ और जाता है। सुनिए, आज मेरे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि मेरे पति मुझसे मिलने के लिए दिल्ली दरबार से आई हैं। चल कर के उनका आरती करना चाहिए, चलना चाहिए डोली पे। और सुनी पति की वार्ता, और किरण मही झटपट चली कोई करण पति का आरता। महाराज लीजिए, महाराज आरता लीजिए। अरे पापण, किस आरता कर रही है तू? महाराज क्या बात है, आज कोई नशा कर रखा है? हाँ, शराब पी ली है मैंने, पान खा रखी है मैंने, पागल हो गया हूं मैं। दफा कर ले अपनी शक्ल को, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन महाराज ऐसा क्या अपराध हो गया? अरे पापण, हत्यारी दुष्ट, इससे अच्छा होता कि महल के अंदर मेरे सूते की गर्दन उतार देती, वो अच्छा होता। महाराज कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे साथ साथ तूने मेरे हम सब साथियों का, मेरे राजपूतों का नाम मिट्टी में मिला दिया, बेशरम। लेकिन महाराज मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। दूर चली जा मेरी आंखों के सामने से, के तेरी शान देखना मन चाहता, ओ तेरी शान देखना ना चाहता। बदमाश पुरन मर ले, किसी बात करे महाराज, बड़ी आरता मेरा नहीं तो? उस शेर खान तेरे यार कर बदमाश आरता कर ले जा कर ले। किसी से तो नहीं जानती। और ये कौन है शेर खान? मैंने तो महाराज नाम ही पहली बार सुना है। कोई भी चोर चोरी करने के बाद मैं नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। नहीं महाराज, मेरा यकीन कीजिए। तेरे को क्या पता हाथी और कीड़े में कितना अंतर होता है? महाराज गज कीड़ी का मेल कड़े दुनिया सारी जाने से, घी के बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने से, घी के बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने से। वंश बरोबर बेल कड़े दुनिया सारी जाने से, बोल बराबर सेल कड़े दुनिया सारी जाने से, बोल बराबर सेल कड़े दुनिया सारी जाने से, बोल बराबर सेल कड़े दुनिया सारी जाने से। अजी हो सेल बोल का सेल बोल का पान जख्म न भर ले, शेर खान तेरे यार का बदमाश यार कर ले रे। किसी को नहीं जानती ये अपनी शक्ल दबा कर ले, मैं ना देखना चाहता तुझे। शेर खान तेरे यार का बदमाश यार कर ले।
सुगंध मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। आप ये झूठे इल्जाम झूठे दोष लगा रही महाराज। हाँ मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, सारा हिंदुस्तान झूठा है, सारे राजपूत झूठे हैं महाराज। और तू एक सच्ची है। मन मेरी गौ माँ की सोगन में किसी को नहीं जानती। क्या फर्क पड़ता है तेरे को किसी की भी कसम खाने से महाराज। मन मेरी गंगा माई की सोगन में किसी को नहीं जानती। तेरे जैसी गंदी औरत के मुख से उस गंगा का नाम अच्छा नहीं लगता। वो गंगा पवित्र है, हमारी गति मुक्ति करती है, और तेरे जैसी गंदी औरत के मुख से गंगा का नाम अच्छा नहीं लगता। सजनों बहुत अच्छी बात लिख रखी है, चोरी बराबर धन को न्या सरकार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, भाइयों जैसा प्यार नहीं तकरार ना हो तो, औरत किसा वजीर नहीं बदकार ना हो तो, औरत किसा वजीर नहीं बदकार ना हो तो, किसी यकीन दिलाऊं कि मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। कौन से यू भाई का साला शेर खान महाराज, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। क्या कह रही थी कि पति वरता हूँ, आपके दर्शन किए बगैर भोजन कैसे करूंगी, मेरा दिल कैसे लगेगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक इन महलों के अंदर मैं नहीं था, रोज एक पृथ्वी सिंह आया करता था। नहीं महाराज, और उसी पृथ्वी सिंह के रूप में तेरा यार वो शेर खान भी आया है। महाराज तू कैसी पतिव्रता है मैं बताता हूँ। तेरे बरगी बीरा पे फिर जगत खाम खाम मरता, पिंगला बिना फकीरा का क्यों भेष वरथरी करता, पिंगला बिना फकीरा का क्यों भेष वरथरी करता, और भानमती के पाप बिना क्यों भोज तबाई भरता। किरण मई मैं जान गया तू उनवर की पतिव्रता, किरण मई मैं जान गया तू उनवर की पतिव्रता, कर ले रे कर ले, मुकलावा करके लाया था, मैं सोच रहा था कि जीवन साथी मिल गया, अब आराम से जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन क्या पता था, औरत नहीं लाया मैं, अपनी मौत लेकर के आया हूं। आज आख्या तेतन देखूं को न्या बुरी दिखाई दे से, मेरी नाड़ की बढ़न आली छुरी दिखाई दे से, मेरी नाड़ की बढ़न आली छुरी दिखाई दे से। स्वर ईश्वर का ज्ञान नहीं बेसुरी दिखाई दे से, सतगुरु की शिक्षा को ना बेगुरी दिखाई दे से, रे किस सतगुरु की शिक्षा को ना बेगुरी दिखाई दे से, सतगुरु की शिक्षा को ना बेगुरी दिखाई।
बात है उस्ताद। कहे चंद्र लाल जुलम कितना, चंद्र लाल जुलम कितना, श्यामणी का तड़न वर ले। सुनिए, आख्या तने देखू कोने ऐसी बुरी दिखाई दे से, मेरी नाड़की बा ढणाली मने छुरी दिखाई दे से, सतगुरु की शिक्षा मिली नहीं बेगुरी दिखाई दे से, स्वर ईश्वर का भी तने ज्ञान नहीं बेसुरी दिखाई दे से। कहे चंद्र लाल जुलम कितना, सिंघणी गादड़ ने भर ले, और आरता मेरा नहीं उस शेर खान तेरे यार का बदमाश आरता कर ले। महाराज मैं आपको किसी यकीन दिलाऊं महाराज, ओ सच बता सजनों, कुछ भी नहीं समझ में आया रानी को कि क्या हो गया, मेरे पति को इस शेर खान ने क्या बहका दिया, कौन है ये शेर खान। चलते समय अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहने लगी, महाराज कम से कम ये तो बताओ मेरी गलती क्या है। ने बोली, ने बोली सच बता वो भरतार आज क्यों, तेरे महला में शेर खा डट गया। भरनी रांड तेरे महला में शेर खान डट गया। अरे दुष्ट, तेरे से मिलने नहीं आया था मैं तो अपनी माता के मातृभूमि के दर्शन करने के लिए आया था, मेरा छोड़ दे रास्ता, जाने दे मेरे को। नहीं महाराज, हां जी गुरु को। ओ कौन शेर खा और कड़े रहे, पति देव मने बेराना, तेरे दिल के अंदर अरे देख दुष्ट ने और कितने डराना। हम परमेश्वर का वो धर्म किसी पे ध्यान दिया मेरा रजपूत का कट गया। ये हमारे श्रीमान धर्मपाल जी शर्मा ग्राम बसई से 500 रुपए का वो माताओं के लिए देते हैं और 100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे सेठ जी श्रीमान संजय जी भामाशाह जो कल इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा दान दिला था, अपनी तरफ से आज भी अपनी इस पार्टी का विशेषकर इसी रागनी पे 500 रुपए से सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पंडित जी राम महल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपये राम प्रताप शर्मा जी मेहता,
ऊन से 1100 रुपए गौ माताओं के लिए देते हैं। विनोद मेहता स्नोपश्री लक्ष्मी नारायण जी मेहता 1100 रुपए गौ माताओं के लिए देते हैं। सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जिया ले ओ गई रे मोरा ओ सावरिया, जिया ले गई रे मोरा सावरिया। महाराज हो कर के खोटा कर्म पिया के खामे खाना वो से जीते के ना करके हाँ हो से भान पुत्र वधू और बेटी का भी एक जिसा भाव से अंगली ते बता किस किस का दुख बट गया सच बता तो आज क्यों मन मेरे ते बट गया मुख पर फुली राख तेरे पहला बसेर का बट गया। ये हमारे शास्त्री जी श्रीमान महेश जी अपनी तरफ से शास्त्री जी इसी रागनी में 100 रुपए से सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। लगावन की मेरी कौन सी बात देख ली और मक्खी कुत्ती जैसे वीर मन तेरे सुभा की जात देख ली ओ सती वेशा एक सार कहो के दिन में रात देख ली के सूरज देवता हट गया और तेरे से रखा उस राहु आगे ये सूरज रंग पलट गया तेरा पिंडा ना छूटेगा यो शेर बनी मैं छोड़ चलिया कोई साल मजे लुटेगा जिसने भरिया सयो घड़ा पाप का जब उसके सर फूटे
तेरे तय फट गया। सबार सबार एक बार जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली एक बार कलाकारों के लिए। सजनों, पृथ्वी सिंह उस नई नवेली दुल्हन को रोती बिलकती सिसकति छोड़ करके चला जाता है। रानी पागल हो जाती है कि भगवान ये हो क्या गया। महल की छत पे चढ़ती है, एक एक सिंगार एक एक गहना उतार उतार करके गिरा देती है और महल के दरवाजे में आकर के एक मूर्ति की तरह से बुत बन करके खड़ी हो जाती है। आंखों से आंसू बह रहे थे, पृथ्वी सिंह चले गए। संजोग भगवान ने ऐसा बैठाया कि उस महल के आगे से कुछ कबूतरी नटनियां जा रही थी। कबूतरी नटनी वो होती हैं जो बांस पे चढ़ करके खेल दिखाया करती है। वो कबूतरी नटनी महल के आगे से जा रही थी। रानी उन नटनियों के पास में जाती है, नटनियों से मुलाकात करती है, बात करती है। और जब नटनियों से मुलाकात हुई तो रानी को एक आशा की किरण नजर आती है। थोड़ी आशा बनती है कि अब शायद कुछ ना कुछ भगवान मेरे साथ में भला करने वाले हैं। क्या कुछ होता है सुनिए, आपको बताते हैं। देखिए, गौशाला कर्मचारी समस्त स्टाफ 3100 रुपए तो गोमाता के लिए जी, और 200 रुपए से ही सत्संग पार्टी का सम्मान करते हैं। वाजी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो गौ माताओं की सेवा भी करते हैं और साथ में अपनी तरफ से दान भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छोरी मलका। हाँ बुआ। बेटी माँ हूँ मैं तेरी। अच्छा हाँ माँ। चलो बेटी यहाँ से चलते हैं, अपने बांस ठा लो। हाँ चलो। और तू छोरी गधी पकड़, गधी मुर्गा घेर ले। ए तू मुर्गा पकड़ ले। देखिए बहन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान रहो। देखिए बहन, आप कौन हैं? हम नटनी हैं। और क्या काम करते हैं? हम खेल तमाशा दिखाते हैं, प्रोग्राम करते हैं। देखिए बहन, मुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लीजिए। नहीं बेटी, बहू की सासरा में सासू से बिगड़ जाए, ससुरा से बिगड़ जाए, लेकिन बहू ने ब्याई देली कदे नहीं छोड़नी चाहिए। ना जाने बेटी हमें पब्लिक ना जाने क्या क्या कहती है। देखिए मेरा कोई भी नहीं है, आप जो कार्य कहोगी वो मैं करूंगी, मुझे अपनी साथ में ले लीजिए। अच्छा मम्मी। हाँ बेटी। देखो कितनी सुंदर है ये। अच्छा ये कितनी सुशील है। क्या बात है, क्या कहना चाहती हूँ? इसको अपने साथ ले लो बेटी, इनाम बहुत आएगी। अच्छा हाँ, लेकिन या अपना कन पागीर ना कोई ढूंढता ढूंढता आगा तो अपना ठोकर में भी रड़क कौन छोड़ेगा। कोई ना ठोके। अच्छा हाँ, अगर बेटी तुम नहीं मानती हो, सुनिए बेटी मेरी बात। हाँ। जी क्यों कर गुजर करेगी या दुनिया हंसी ठला करण आली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करण आली। जोहरी बिन के कदर लाल की गरीब घर हमें पाया करे, ब्याही देली छोट भी दर दर की ठोकर खाया करे। तेरे कसी पछताया करे कच्ची सला करण आली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करण आली। कपिल मुनि की जननी माता सती वीर देवहूति थी, रुचि मुनि ने ब्याही गई वा वीर बड़ी आकुति थी, सबसे छोटी प्रस्तुति थी। सृष्टि का भला करण आली, तू राजा की रानी से हम नटनी कला करण आली। तेरे कैसी दुखी ना देखी धर्म राम की खासू, तेरे डब डब भर रे नैन नीर, तू बेटी मैं तेरी मासू। तेरे विष्णु कैसे आंसू विंद सरोवर तला करण आली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करण आली। पतिव्रता कैसा लक्षण दिखे माया में जसत लेरी, तेरे शरीर में कौन बुराई काट सके माया मेरी। कह चंद्र लाल आत्मा तेरी सबका भला करण आली, और तू राजा की रानी से हम नटनी कला करण आली। देखिए बहन, मुझ पे दया कीजिए। देखिए बेटी, अगर नहीं मानती हो तो हमारी ये बांस भी तुम्हें ठाने पड़ेंगे। लेकिन मेरी एक विनती है। क्या? कि हम दिल्ली दरबार तक चलेंगे। अच्छा, और इनाम मैं मांगूंगी और बहुत सा धन दिलाऊंगी आपको। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलिए, बहुत बड़ा फंक्शन है। हाँ जी चलो बेटी, मन बुआ जी चलो। लोग तो रम करम भक्ति वृत ने में पे बांधी आस सती ने, और कर नटनी का भेष धर लिया कांधे पे बांस सती ने। नटनियों का साथ मिला सती मन ही मन में सोचगी, और चलती 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 दिल्ली दरबारा में पहुंचगी।
दरबारा में पहुंच गया धरीश्वर का ध्यान, और दरबारा में ही मिल गया वो शेर खान पठान। ये दिल्ली दरबार आ गया है। बिल्कुल, यहाँ कोई मंत्री होगा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो? नटनी। नटनी आप कौन हो? नटनी। नटनी आप? नटनी। आप भी नटनी? जी जनाब, मैं भी नटनी हूँ। अरे कोई हाँ भरने वाली है कि सभी नटनियाँ हैं? किस बात की? नाचना गाना की। वो तो हम करते हैं। अच्छा जी, हाँ। जी तो लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं। हाँ। कि आज ये पब्लिक, ये जश्न किस बात का है, किस खुशी में? देखिए पृथ्वी सिंह की हार हुई है, रानी किरणमयी का धर्म घट गया है, शेर खान की बहुत भारी जीत हुई है। अच्छा, उस जीत के अंदर ये जश्न मनाया जाए। तो जनाब पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? हाँ, मेरा ही तो नाम शेर खान है। अच्छा, आप हैं शेर खान जी। तो जनाब आपकी इस खुशी में हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं। अच्छा, हम भी गाना बजाना करना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत बादशाह से ले सको। अभी मैं जब बादशाह से ऑर्डर लाता हूँ। बादशाह सलामत। बोलिए शेर खान, क्या बात है? ये जो नाचने गाने वाली नटनियां हैं। अच्छा, ये आई हुई है अपना तमाशा दिखाने के लिए। ठीक। मैंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, पंजाब के स्त्री, न्यूटाइम अखबार के अंदर पंपलेट छपवा दिया था कि शेर खान की बहुत भारी जीत हुई है, और उस पंपलेट को पढ़ करके ये आई है। अच्छा, हाँ। क्या करवाना चाहता है? मैं नाचना गाना करवाना चाहता हूँ। मैंने फेसबुक पे बहुत शेर खान तो कैसा आदमी है क्या? अरे इधर तुम्हारे बराबर के स्पेशलर को फांसी हो रही है जी, और तेरे को नाचना गाना सूझ रहा है। बस सलामत। वाह भाई वाह, एक तरफ गमी है तो एक तरफ खुशी है। क्या हम हमारी खुशी जाहिर नहीं करेंगे? अच्छा, किसान का लड़का होके, किसान का लड़का होके वो गए दुख दुंद किसान, अरे कम पिता का जो नहीं माने वो मूर्ख फरजंद किसान। जहां कोई जश्न मनाया जा तो बिन गहने आनंद किसान। नाचना गाना तो होना चाहिए भाई। देखो शेर खान, मेरी तो इच्छा नहीं है ऐसा। अच्छा, लेकिन अगर तू कहता तेरी जीत हुई है, तू जश्न मनाना चाहता है, तो बुलाओ इनको। कौन है वो? नटनियों जी। बादशाह मैं आपको सलाम करती हूँ। वेलकम सलाम, खुश रहो। देखो बादशाह, अच्छा, देखो कैसी कैसी नटनियां हैं ये दरबार में। अच्छा, इनका है, देखो है, देखो इनकी सरदार कौन है? जी बादशाह मैं हूँ। कौन है? अच्छा जी, तो पहले तो आप अपना एड्रेस बता बताइए। एड्रेस बता? हाँ बिल्कुल, ठीक है महाराज। देखिए बादशाह, वैसे तो इन गाने बजाने वालों की ना तो कोई जात होती है, ना इनका कोई रहने का स्थान होता है। जहाँ चले जाते हैं वहीं इनका परिवार हो जाता है। सुनिए, फिर भी आप सुनना चाहते हैं? हाँ जी। ला 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 ला। ओ महाराज, ठिकाना ना गाँव से हो मारा, ठिकाना ना गाँव से, और यो नाचन गावन का मारा काम से। धन से काम करा सा फर्क नहीं से गात में, धन मन धन से काम करा सा फर्क नहीं से गात में, धन मन धन से काम करा सा फर्क नहीं से गात में। हाँ तेरे हाथ में इंतजाम से नाचन का बढ़िया महारा काम से, वो आई दरबार में इनाम दियो
शेर खान का चेहरा हो, लिया नकड़ी ने देख कैसा शेर खान का चेहरा हो, लिया नकड़ी ने देख कैसा शेर खान का चेहरा हो। मरा झोपड़ी में बांस थरे आनंद भेला मेली में, झोपड़ी में बांस थरे आनंद भेला मेली में, मरा झोपड़ी में बांस थरे आनंद भेला मेली में। हां तेरी दहली में मुकाम सा नारा चनगावन का मारा काम से, ओ भाई दरबार में इनाम लियो प्यारे से, नारद जी ने मिले धू, चंद्रवंश ने पार तार के दुनिया के महाराजा पुरु, चंद्रवंश ने पार तार के दुनिया के महाराजा पुरु, चंद्रवंश ने पार तार के दुनिया के महाराजा पुरु। खूब, एक बार जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। वाह, देखिए नटनी जी, ये राज दरबार है और मेरे दरबार में यहाँ नवरत्न रहते हैं, बैजू बावरा तानसेन जैसे महाकवि रहते हैं, बीरबल जैसे महामंत्री रहते हैं। बिल्कुल बादशाह, लेकिन सभी ने आपकी बड़ी तारीफ की है, इसलिए हम आपसे एक कलमा और सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बताइए। आपको हम विषय देंगे और उस विषय पर ही आपको गाना पड़ेगा। बताइए विषय। एक पतिव्रता स्त्री के शरीर पर कौन कौन से श्रृंगार होते हैं, कितने होते हैं, उनका आप वर्णन करेंगे। बिल्कुल सुनिए, बताइए। और चार खज और चार पग और चार फूल फल चार, और कहे कृष्ण सुन रुक्मणी तो ये 16 श्रृंगार। सुनिए बादशाह, वो कौन से हैं।
गुण का गहना नटनी के तन पे सिंगार दिखाई दे, कर्म का करण फूल कंठी ही मत का हार दिखाई दे, नेम की नाथ लोप लज्जा की सत की सार दिखाई दे, विधि का बंद बला कबोरला बिंदी त्यार दिखाई दे, विधि का बंद बला कबोरला बिंदी सार दिखाई दे, काटे चाला ओ मोहन माला, काटे बदन के माँ, ओ गोल गोल मुंह बटवा सा जन खिल रहा चांद गगन के माँ, ओ सूरज जैसा चमका लागे गोरे गोरे तन के माँ, ऐसी सुतरी हूर जनू जगदम्बा खड़ी भवन के माँ, ऐसी सुतरी हूर जनू जगदम्बा खड़ी भवन के, रानी चाकरी ओ बालम खातर, रानी चाकरी बालम खातर मिलने ते बतक रही मैं शेर कहां सीथला करे, किरण मई सोचे परमेश्वर मेरे पति का भला करे, और कोई बजावे कोई गावे और कोई नाचे कोई कला करे, किरण मई का रूप देख के सब आपस में सलाह करे, किरण मई का रूप देख के सब आपस में सलाह करे, निगाह टेक टेक सब देख देख, निगाह टेक टेक सब देख देख, मैं फिल सबरी पटक रही के मन में घना उमंग हो गया, अपनी हार समझ के राजा पृथ्वी सिंह भी तंग हो गया, चंद्र लाल के दरबारा में ना होने का दम हो गया, ये नया तमाशा, ये नया तमाशा, ये नया तमाशा देख देख के बादशाह भी तंग हो गया, यो नया तमाशा देख देख के बादशाह भी तंग हो गया, टेम सही वाराणी की रेड़ मई, था टेम सही वाराणी की अकबर ते वक्त को रही बानटनी दिल में खटक रही। वाह बहुत खूब। नटनी तुम्हारे खेल से खुश महफिल हुई तमाम, ये बादशाह का दरबार है चलो ले जाओ इनाम, नटनी तुम्हारे खेल से तमाम हमारी महफिल हमारे मंत्रीगण अति प्रसन्न हुए हैं और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आपको इनाम देना चाहते हैं, मांगिए आप क्या इनाम मांगती हैं? महाराज आप हमें सम्मानित करना चाहते हैं, बिल्कुल इनाम देना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे दरबार में कलाकारों की बड़ी इज्जत होती है, तो बादशाह पहले मुझे वसन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे दरबार से मिलेगा। क्या बात करते हैं नकनी, तेरे को हिंदुस्तान के शहंशाह पर भी विश्वास नहीं है? नहीं बादशाह ऐसी बात नहीं है, अच्छा वचनों वगैरह में कुछ नहीं मांगूंगी। अच्छा जी, तो दिल में राख यकीन, अरे जो मांगोगी वही मिलेगा, वचन देता हूँ एक दो तीन। तो बादशाह क्या मांगती है?
मैं इनाम में अपना इंसाफ चाहती हूँ। इंसाफ चाहती है? जी मां। क्या ना इंसाफी हुई तुम्हारे साथ? महाराज बादशाह आपकी इस महफिल में आपके इस दरबार में मेरा एक चोर है। क्या बात करती है नटनी, मेरे दरबार में मैंने कहा था कि यहाँ नवरत्न रहते हैं, यहाँ चोरों का कोई काम नहीं है, और फिर भी अगर आप शकल से पहचानती है तो शकल पहचान के बताइए, और उसका नाम जानती है तो नाम बताइए, भरे दरबार में तुम्हारे सामने उस चोर को दंडित करता हूँ। सलामत, ऐसे ऐसे नाचने गाने वालों का कौन चोर है, और चोर भी है तो कोई बहन चौथ भड़भूजा के औलाद है। सुनिए बादशाह, बोलिए कौन वो कैसा चोर है बताइए कौन। सुनिए, तो सुनिए महाराज, वो मेरा चोर कौन है? दुआ दिखा दी। और सच बोलने में कब किसकी होती है हान, मेरा चोर ये नहीं वो नहीं, मेरा चोर है शेर खान। क्या मैं हाँ तू 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 क्या बात करती है नकनी? जी महाराज, तेरे को पता है तो तू जिस नाम जो आप जो नाम ले रही है वो कितना बड़ा पदाधिकारी है, मेरा सेनापति है। अच्छा है जी बादशाह, आपका सेनापति शेर खान मेरा चोर है? नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है महाराज। देखिए आप जो इल्जामात लगाएंगी उनको साबित करना पड़ेगा, मैं अभी शेर खान को बुलाता हूँ। बुलाइए दरबार में शेर खान को। शेर खान जी, दरबार में उपस्थित हो जाओ। मैं तो सऊदीया गए हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं घूम रहा था। मेरी रात की फ्लाइट थी। अच्छा, जल्दी आओ दरबार में। क्या बात है? बात यह है कि तुम जिन नटनी को यहाँ जलसा करने के लिए लेकर के आया था, और उसकी जो सरदार है वो तेरे को चोर बता रही है। ये नटनी कोई मेंटल है जी बादशाह, इसकी मेरा चोर है शेर खान। अच्छा नटनी, तेरे को ये मालूम नहीं शेर खान कितना बड़ा अधिकारी है? क्यों मेरा फजीता कर रही है? अगर मेरे को ये मालूम होता तो मैं तुम्हारा नाचना गाना नहीं करवाता। बादशाह हमारी सड़कियों में आया शेर खान, इसने दारू पी। क्या बात, इसने अंडे खाए, एक काला मुक्का उरनिया खा गया। उरनिया ये क्या होता? बेड का बच्चा। बेड का बच्चा नहीं खागो? सुक्का नहीं। नटनी अलबत्त हमारे दीन में कभी शराब पीना नहीं है। साड़े कर दिया भाई, हम कभी शराब का हाथ नहीं लगा। महाराज मेरा फैसला होना चाहिए, ये मेरा चोर है, चोर है। बिल्कुल फैसला होगा शेर खान। हाँ, क्या सच है ये? झूठा दोष लगावा नटनी, बुरा पठान नहीं से, आज तलक गरीबों का कदे लूटा सामान नहीं से, सुपने में भी पापन कदे तेरी देखी शैन नहीं से। क्या क्या तूने मेरी शक्ल सपने में नहीं देखी? अल्लाह की कसम मेरे को। बादशाह अपने आप को मुसलमान बताता है, कितना झूठा है, कहता है कि तेरी शक्ल मैंने सपने में नहीं देखी। बिल्कुल महाराज मैं यकीन नहीं करूंगी। एक काम कीजिए, आप अपने मोहम्मदन धर्म में कुरान शरीफ को बड़ा मानते हैं। बिल्कुल, और इसके हाथ में कुरान दीजिए और मक्का की तरफ मुख करके ये कहे कि इस नटनी की शक्ल मैंने कभी नहीं देखी है, तो बादशाह जो आप सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। नटनी क्यों मेरा फजीता कर रही है? 10-20 रुपए ले जा, तू जा। नहीं, फैसला होगा। देखिए शेर खान, हाँ मुझे पता है तू सच्चा है, और वैसे भी तेरे को चोरी वोरी करने की जरूरत भी क्या है, तू खजाने का मालिक है, लेकिन मैंने भी इसको इंसाफ करने का वादा किया है, वजन दिया है, इसलिए ये कुरान हाथ में लेकर के कहो कि तुमने इसकी शक्ल नहीं देखी है, आपको बरी करता हूँ, इसको सजा करता हूँ। बादशाह सलामत, मत इस महीने में कुरान का हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसी क्या बात, हाथ क्यों नहीं लगाता? लेकिन तेरे को लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने फैसला करना है। देखिए बादशाह सलामत, हाँ सच्चा इंसान के लिए ने कुरान उठाना अच्छा, ने धर्म पीपला पाड़ना अच्छा है, ने रामायण भागवत उठाना अच्छा है। अच्छा हाँ। चलो रखो, कहो क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। ये मेरे को ये बताओ मक्का किधर है? इधर है। वाह भाई वाह, पश्चिम में। पश्चिम में फिर कर लो शेर खान का ध्यान, लो भाई कर लो अब शेर खान का ध्यान, डर लिया हाथ पे कुरान जान देखी ना नटनी रे, बताया चोर क्यों, कर लो शेर खान का ध्यान, डर गया हाथ पे कुरान जान देखी ना नटनी रे, बताया चोर क्यों, खान का ध्यान धर लिया हाथ पे
बताया चोर क्यों ये दरबार कैसी बापुता और कहो जासु खाता हूँ अधीश कसम बार बार खासु बार बार खासू नासू चोर जार बदमाश कर दिया गुरु कनाश बरटले मंगती दिखावे चोर क्यों कर ले शेर खान का धान धर गया हाथ पे पुरान नशा देखी नटली बताया चोर क्यों दरबारा के सिवा बताओ और कहां जासू खाता हूँ अधीश कसम बार बार खासू नासू चोर जार बदमाश कर दिया आबरू का नाश परेट लेर मंगती दिखावे त्योर को दरेश त्योर को दफा कर ले नटनी शेर खान ने भरे दरबार में सबके सामने कुरान हाथ में लेकर के कह दिया है जी। कि दरबारों के सिवा कह नहीं जाता और तुम्हारी शक्ल आज तक नहीं इस नटनी की आंखें बहुत लूची आंखें हैं आप क्या कहना चाहती है बोलिए शेर खानी खुशी हुआ तू फिरे से और हमने भी खोवे खुद खोया फिरे से शेर खानी खुशी हुआ क्यों फिरे से हमने भी खोवे खुद खोया फिरे से वो कितका हुआ फिरे रजपूत पापी सो उता के ऊत बन के अकबर का नौकर दिखावे बोर क्यों कर लो शेर खान का ध्यान धर गया हाथ पे कुरान शान देखी ना नटनी रे बताया चोर क्यों अच्छा सलामत ये मेरे गेल धिंगताना है और कहती ऊत इसको शर्म नहीं आती ऊत देखिए नटनी हमने आपको सबूत पेश करने के लिए कहा था गाली गलौज करने के लिए नहीं ये हमारा बहुत बड़ा पदाधिकारी है सोच समझ के बात करो हिंदुस्तान के अंदर बादशाह सलामत शेर खान का डंका है आप बोलिए और क्या कहना चाहते हैं आप यार दिखताना करे से नटनी शेर खान तो फेरी लाव मत ना दोष मेरे बाकी ना देरी दिखताना करे से नटनी शेर खान तो सूरज के सामी अंधेरा घोर क्यों खान का दान धर दो हाथ पे कुरान शान देखी ना नटनी बताया चोर क्यों बादशाह सलामत मेरे गल जबरदस्ती है धिंगताना है बिल्कुल मैं इसके मान ही इनका मुकदमा दर्ज करूंगा अब मेरे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल तसल्ली कर शेर खान मैं देखता हूँ इसको देखिए आप और जात हैं हाँ इसलिए मैं आपको सबूत पेश करने के लिए एक मौका और देता हूँ जी बात सर आपने बिल्कुल मेरे बहुत बड़े पदाधिकारी की बेइज्जती की है दरबार में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा लेकिन आप और जात इसलिए आपको आखिरी मौका देता हूँ मैं मेरा सबूत शेर खान मुझे पहचान ले नटनी नटनी तूने मेरी शक्ल कभी नहीं देखी है अल्लाह की कसम मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी मैंने झूठा कुरान नहीं उठाया मैं एक सच्चा इंसान तो सुनिए हो बात करे बात करे क्यों नए नए ढंग की और निंदा करी क्यों पति वरता के अंग की बादशाह सलामत कभी ये पति वरता बनती है कभी नटनी बनती है मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या शौक बेटी सच सच बताओ तुम कौन हो बात करे क्यों नए नए ढंग की और निंदा करी क्यों पति वरता के अंग की मैं सुपृथ्वी सिंह की वीर चंद्र फैसला आखिर महाराज तू जीती मैं हारा बदारे और क्यों महाराज दरबार में सुसु कर दियो महाराज सफाई कर्मचारी बुलाओ यो न्यू कहता ना बोले किरणमयी के साथ एक पलंग पर बैठ के मैंने चा के कप घुटे कह रहा था ना यो वह चा लिकड़न लग रही है लेकिन सारे दिन का भरया बैठा छट लेने दो इसने
सजनों मौत का डर इतना होता कि ये चीज तो ख्याल नंबर दो का ऑफिस भी खुल सकता है। शेर खान, तेरा मेरा झगड़ा था पतिव्रत धर्म का, और तू कह रहा था कि हिंदुओं में पतिव्रता होती है, मैंने देखी नहीं, अब तू बता बोल हिंदुओं में पतिव्रता होती है नहीं होती? अरे तेरा हिंदुओं में तो कुत्ती भी पतिव्रता, तारी तो ऊंटड़ी भी पतिव्रता से, और तारे मुसलमान ना मैं अरे मार तो पांच सालिया चबन वाली पिछिर पिछिर गिर पतिव्रता नहीं होती ना। किसने कह दिया मुसलमानों में पतिव्रता नहीं होती? मुसलमानों में भी ऐसी ऐसी माताएं पतिव्रता हो गई जिनका आज भी इतिहास में सोने के अक्षरों में नाम दर्ज है। तू कहता मुसलमानों में पतिव्रता नहीं होती? देखा शेर खान, एक तो तू है हर समय बकवास करता है कि इधर पृथ्वी सिंह सभी धर्मों को बराबर मानता है। चल छोड़, तूने सबके सामने कुरान उठाया और ये कहा कि मैंने इसकी शक्ल सपने में नहीं देखी। अल्लाह की कसम मैं सच्चा इंसान हूं, मैंने तो आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी। जब तन्ने मेरी रानी की शक्ल तन्ने मेरी रानी की शक्ल सपने में नहीं देखी? अरे दुष्ट, जब तने सपने में शक्ल नहीं देखी तो तू मेरी रानी की बाई जांग का तिल का निशान कैसे लाया? मैं तो पैसे दे के काम कराए, वहां एक दूती रहती है बच्चों। अच्छा अच्छा, चोर को क्या मारा, चोर की माँ को मारा। पैसे दे के काम बनवाया तन्ने? वाह बहुत अच्छी बात, कहाँ है वो दूती? वो दूती आपके गढ़बुंदी में, बुला उसको। वो अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो डिलीवरी केस में चल रही है, बुलाना पड़ेगा उसे अभी इसी वक्त। हेलो 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 दूती, हेलो दूती, आपकी जो बकाया पेमेंट है वो ले जाओ। नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? मैं किसी की डिलीवरी करवा रही हूँ। अरे किसी डिलीवरी जल्दी आ जाए ना, मैं पुलिस भेजूंगा। अच्छा हाँ, तेरे को मालूम नहीं शेर खान बोल रहा है? कहाँ पर है मेरी नाम यार, बिखर रही सूंग के चाट ले। ये है वो बहन चौथ दूती। अच्छा, अगर ये नहीं होती तो मेरा माजना खराब नहीं होता। जी जी जी, वाह भाई वाह, क्या बात है। थोड़ा इधर आना, क्या नाम है आपका? प्रेम जान। प्रेम जान? नहीं ये तो बहन चो जान काटती है। कहाँ रहती हो? मैं गढ़बूंदी। गढ़बूंदी में, वाह भाई वाह, क्या बात है। और एक बात बता, हाँ। यो शेर खान वाला और मेरे वाला जो मामला था, हाँ। यो तन्ने फिट करया? ऐसे तो मैं रोज ही करती हूँ। मर तेरी बाण का रोज ही करे। बादशाह सलामत, इस शेर खान ने तो सिर्फ मेरा एक घर बर्बाद किया था, और ये कहती मैं रोज ऐसे कर्म करती हूँ। बादशाह, इसने पता नहीं कितने बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया होगा, कितनी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया होगा, कितनी माताओं की कोख उजाड़ दी होगी। इसके लिए तो बहुत कठिन से कठिन तो सजा सोचेंगे, लेकिन पहले इसको फांसी तोड़ो। फांसी मत तोड़ो तो इब तो लीकड़ाई तोड़ दो। पृथ्वी सिंह जी, ये दोनों मुलजिम तुम्हारे हैं जी, और आप जो सजा मुकरर करेंगे वो इनको देनी पड़ेगी। बादशाह सलामत, ऐसा करते हैं दो कब्र खुदवाते हैं, बिल्कुल, और दोनों कब्रों में दोनों को जिंदा ही दफना देते हैं, बिल्कुल जिंदा। फिर दो कब्रों को क्या करोगा? मतलब एक ही कब्र बहुत, एक कब्र नीचे या दूती ऊपर में, और 2 किलो घी दर दो। आराम जाते, तेरे सर पे मौत खड़ी है और फिर भी तेरे को घी खाने की लगी। भाई मरना तो है, खा के तो मर जाए, और तो देख जाए। और सजनों, ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आपके सामने दो दो स्टूडियो लगे हुए हैं, सारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है, और सिर्फ 2 दिन के बाद कल का, परसों का, आज का, ये तीनों कार्यक्रम आप अपने अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं। एक आपको सिर्फ इतना नाम सर्च करना है, एक स्टूडियो का नाम तो यहां पर लिखा हुआ है, विकास स्टूडियो मांडन, साथ में अपने गांव का नाम बोल देना औरंगाबाद, विकास स्टूडियो मांडन औरंगाबाद। ये दोनों प्रोग्राम आपके कार्यक्रम पर मोबाइल पर आ जाएंगे। और दूसरा स्टूडियो लगा हुआ है Star 9X, Star 9X, इतना डायल करोगे उसमें भी साथ अपने गांव का नाम बोलना है नौरंगाबास, Star 9X नौरंगाबास, तुरंत अपने मोबाइल पर यह कार्यक्रम आ जाएगा। शेर खान बोलो। बादशाह सलामत, पृथ्वी सिंह हाँ, इस दूती को अपने चौराहे, अपने जो महल का जो सामने चौराया है जी, उस चौराहे में आधा गढ़वा करके और कुछ सरकारी कुत्तों का पिंजरा खोल दो। दूती को खत्म कर दिया शेर खान। बोलो। दूती तो गई, जाने दो सासु। अब तू सुना भाई, तेरी मर्जी की बात है, देख लो। शेर खान, मैं तेरे जैसा दुष्ट नहीं हूं। अच्छा, मैं तो तेरे को अपनी तरफ से माफ करता हूं,
लेकिन तेरी जिंदगी और मौत का फैसला करेगी मेरी रानी, क्योंकि तूने उसको बदनाम किया। जाओ भैया, तो मेरी माई से पपी या मेरी माँ गुड़गा वाली ताती जाली गूंगी माई। तूने मुझे माँ कहा है, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती, इसलिए मैं तो तुझे करती हूँ माफ। लेकिन बादशाह हैं ये फैसला करेंगे। सुनिए एक बार सती किरणमय की जोरदार जय बोलिए, किरणमयी सती महारानी की। क्या बात सजनो, इसी बादशाह सलामत, ये फैसला आप अपने मुख से सुनाइए। ठीक, आज हिंदुस्तान की जनता देखेगी कि शहंशाह अकबर का फैसला क्या है। ठीक है, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और शर्त के मुताबिक शेर खान को सजाए मौत। सजनोबाद से अकबर ने कलम तोड़ करके फेंक दी और फैसला सुना दिया कि शर्त के मुताबिक शेर खान को फांसी लटका दिया जाता है। पृथ्वी सिंह और किरणमयी एक जगह होते हैं, सभी दरबारी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं और इस प्रकार हमारी एक बहन, हमारी एक माँ, हमारी एक बेटी ने अपने पति को फांसी के फंदे से उतार लिया और इस जगह सती के सत्य की जय हो जाती है और पापी दुष्ट हरामियों के बीच में मौत हो जाती है। सांग इसी जगह पे संपन्न होता है। कल ठीक उसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी और च्वाइस है कि भाई चलते चलते एक मनोरंजन तो जरूर